Assalamu alaikum Nazreen and welcome to another episode of Plunk and Debunk. This week we'll talk about Dargate, the return of the king and the BJP Cricket World Cup. हमारे रेगुलर व्यूअर्स मुझे प्लंक एंड डेबंक के प्लेटफॉर्म पर देखकर थोड़ा सा परेशान जरूर हुए होंगे, बट फिकर नॉट, क्योंकि यूजुअली प्लंकिंग और डेबंकिंग का ये फरीजा ये खातून अदा करती हैं। लेकिन आज मेरी एस्टीम्ड कॉलीग नैप की जानिब से तलबी की वजह से ये फराइज सर अंजाम नहीं दे सकती, एंड आई एम जस्ट फीलिंग इन फॉर टू बी ऑनेस्ट, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा। मेरे बैकग्राउंड में ये जो पोस्टर पड़ा है, इट्स एक्चुअली स्केरी। भैया आखिरी दफा रिक्वेस्ट है, हम ये पोस्टर हटा नहीं सकते। I think not. कोई चांस नहीं है। नहीं। अल्लाह माफ करे, इस टीवी की आंखें बाहर क्यों निकली हुई हैं? खैर, the fact of the matter is, I don't want to be here. मुझसे ये प्लंकिंग और डिबंकिंग मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही है। And I apologize in advance for whatever I'm gonna say in this video. जिस तरह मुझे इस कैमरे के सामने मेरी मर्जी के खिलाफ बैठाया गया है, उससे मुझे याद आया उस्मान डार का कामरान शाहिद के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में इंटरव्यू। और प्रोग्राम से मेरा मतलब है कामरान शाहिद के घर का ड्राइंग रूम, और इंटरव्यू से मेरा मतलब है उस्मान डार का पीटीआई को मुकम्मल तौर पर डिनाउंस करना। It was like a live conversion जिसमें उस्मान डार महज अपनी सियासी associations को और पीटीआई के साथ अपने सफर को negate कर रहे हैं, और उनके पेशवा कामरान शाहिद उनकी उंगली थाम कर उनको इल्म और रोशनाई के enlightenment के इस सफर पर guide कर रहे हैं, और उस्मान डार को उनकी माजी की गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। और गलतियों से मेरी मुराद है उस्मान डार की पीटीआई से वाबस्तगी। जो कोई ना जेल गया, ना कोई किसी कस्टडी में गया, ना किसी में कोई तशद्दुद हुआ, तरीके साहब का तो वो भी सूरमा पार्टी छोड़ गए, तो आपकी पार्टी क्या थी वैसे? मतलब नवाज शरीफ साहब से 100 सियासी इख्तलाफ सही, उनके साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं। मतलब आप उनको लीडर माने या ना माने, मैं ये नहीं कह रहा माने, लेकिन उनकी पार्टी का कोई एक एमपीए भी कुछ छोड़ के नहीं गया 3.5 करोड़। और आपकी हुकूमत नाथ का बंद किया, राणा का उनका शायद काका नवासी साद रफीक एसर इकबाल ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ हमजा शहबाज नवाज शरीफ जरा बदल, मतलब आप देखे आप लोगों ने कितनी ज्यादती की। इट वाज लाइक अ क्लेंजिंग, अ पॉलिटिकल क्लेंजिंग ऑफ उस्मान डार। ये इंटरव्यू बिल्कुल कैजुअल, लेड बैक, नेचुरल और अनफोर्स्ड लग रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं फवाद खान लग रहा था। उस्मान डार ने खुलेआम इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई के तमाम इवेंट्स की प्लानिंग जमान पार्क में होती रही, और पीटीआई का एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा उनकी पीटीआई से अलहदगी का सबब है, जिस अलहदगी का ऐलान भी उन्होंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में किया। इसमें हकीकी मानों में ताजुब की बात यह है कि 9 मई से पहले उस्मान डार को पीटीआई के इस नैरेटिव से कोई मसला नहीं था, और 9 मई के बाद उस्मान डार को करीब 5 माह का अरसा लगा इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि पीटीआई की पॉलिसीज उनके जाती प्रिंसिपल्स की नफी में है। अब उस्मान डार की इस अवेकनिंग के पीछे क्या राज है, इस राज को समझने के लिए हमें 9 मई के बाद से अब तक के इवेंट्स को एनालाइज करना होगा। I mean, PTI members announcing that they are leaving the party is something we have gotten very used to. I'll be honest, Usman Dar ka PTI se alahdgi ka elan koi bahut bada dhachka na tha. Given ke in halaat ke chalte agar zyada der PTI se koi istifa na aaye, to that comes as more of a surprise. Is sare saga mein 22 se taajub baat ye hai ki Usman Dar 9 mai ke baad manzar-e-aam se lapata rahe, aur inki gumshudgi ka notice adliya ne bhi liya. सिंध के होम मिनिस्टर ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि उस्मान डार को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। जो उस्मान डार का अरेस्ट था, उसमें सिंध के होम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अरेस्ट किया। और जब सिंध हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को उस्मान डार की गुमशुदगी का नोटिस लिया, तो 4 अक्टूबर को आउट ऑफ नोवेयर उस्मान डार साहब इस तरह नमोदार होते हैं जिस तरह तनख्वाह मिलने वाले दिन उधार मांगने वाले, और नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के उस्मान डार साहब अपने गुनाहों का अजाला करते हैं। द गुनाह अगेन बींग हिज पास्ट विद पीटीआई। तो क्या एक ऐसे शख्स का अचानक नमूदार होकर इतने बड़े इंकशाफात करना एक मामूली बात है? Who's to say कि वो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं थे? एक ऐसा शख्स जो 25 दिनों से लापता है, जब वापस मंजरे आम पर आता है तो अपनी माँ से मिलने या अपने खानदान को देखने के बजाय सीधा एक टीवी एंकर के घर ऐसे पहुंच जाता है जैसे प्यासा कुएं को। भाई ये क्या निजाम है? किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं होता, तो मेरे ख्याल में ये अपने व्यूअर्स के साथ झूठ बोलने वाली बात है, और ये हो नहीं सकता। अब मैं बिल्कुल, मैंने पूरा वो जो 1 घंटे का पूरा एपिसोड देखा है, सवालात ही सवालात है। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द एंकर। और मैं ये बात कतई तौर पर सनसनी फैलाने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि सनसनी फैलाने का काम हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है।
इस पोस्टर पर बनी आंखें हालांकि बहुत ज्यादा खौफनाक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक ये हकीकत है कि टीवी इज एक्चुअली डेड। और मरता क्या ना करता के असूल के मातहत हमारे मेनस्ट्रीम एंकर्स और न्यूज चैनल्स डेस्परेट हरकतें कर रहे हैं और नेशनल डिस्कोर्स की धारा के रुख का तयन करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। बट वी सी थ्रू इट, यू एंड आई सी थ्रू इट। अवाम इन सारी चीजों से डिसिल्यूजनड हो चुकी है। वो उस्मान डार जिनको उनका खानदान नहीं ढूंढ पाया, जिनको ऑफिशियली एक मिसिंग पर्सन करार दिया जा चुका था, उनका कामरान शाहिद के प्रोग्राम में हाजिर होना जितना पुरस्रार है उससे कहीं ज्यादा अफसोसनाक कामरान शाहिद का एक्चुअली ऐसी सूरत हाल में उनका इंटरव्यू करना है। शायद ये पाकिस्तान में गिरते जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स की एक अकासी है एंड इट इज अ स्टेटमेंट ऑन द लैक ऑफ जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी इन पाकिस्तान। इस सब पर कामरान शाहिद का कहना था कि जी चूंकि उस्मान डार इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आजाद है। इस वक्त तो एक आजाद इंसान है, मैं आपको बता सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ है और गालिबन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब भी वो आजाद ही होंगे। अब ये शायद मेरी नासमझी है, मेरी कमअकली है या फिर कामरान शाहिद साहब की आजादी की डेफिनेशन मेरी आपकी आजादी की डेफिनेशन से बहुत मुख्तलिफ है, मगर आई मीन आजादी और इंटरव्यू इन दोनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है? ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अगर आपके समझ में आई है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। लेकिन इस पर बंदा क्या ही बोले, इस सर्कस से कोई महफूज नहीं। जहां एक तरफ उस्मान डार और कामरान शाहिद का ये पिंग पोंग मैच चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इनो मीनो मनुवी गिनो की एक गेम के अंदर मुनहरिफ पीटीआई रुकन महमूद मौलवी ने यह इंकशाफ किया कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग पीटीआई की आला क्यादत की सरपरस्ती में चलती रही और ऐवान सदर में भी इसकी ऑर्केस्ट्रेशन हुई। अब इस सूरत हाल को देखते हुए मुझे मारूफ शायर अख्तर शोएब अख्तर का वो तारीखी मिसरा याद आता है। सही कह रहा है शहजादे खुश रहे। इन सारे इवेंट्स को अनफोल्ड होता देखकर उस्मान डार की वालदा भी मैदान में आ गई और उस्मान डार के सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ को ललकार दिया और बोला कि आपने उस्मान डार को तो इन्फ्लुएंस कर लिया लेकिन उनकी वालदा को नहीं। उस्मान डार ने सियासत छोड़ दी होगी, उनकी वालदा ने नहीं। और ख्वाजा आसिफ ने चाहते हुए या ना चाहते हुए शायद एक ऐसा हरीफ बना लिया है जिससे मुकाबले की इस्तेताअत वो शायद नहीं रखते। मावा ठनिया छावा अल्ट्रा प्रो मैक्स। ख्वाजा आसिफ के कायद मियां नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की कहानी भी किसी इंडियन ड्रामे की तरह ड्रैग होती जा रही है। उनके दिलदादा उन्हें प्यार का वास्ता देकर बुला रहे हैं जिसके जवाब में मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ जैसा एक सीजन्ड सियासतदान आखिर अपने मच अवेटेड कमबैक को इतना डिले क्यों कर रहा? Well, I have a theory. मरीन नवाज के अंदरून लाहौर के जलसों में खाली सीटें और नून लीग का मिलो अवामी सपोर्ट शायद इस ताखीर का सबब है। लाहौर में जब मियां शहबाज शरीफ खादमे आला आवाम के मसले सुनने के लिए आवाम के पास पहुंचे तो देखने में ये आया कि आवाम ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेर लिया और अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार किया। इस पर शहबाज शरीफ को मजबूरन आवाम के मसाइल गाड़ी को लॉक लगाकर शीशे ऊपर चढ़ाकर अपनी गाड़ी के रेडियो पर सुनने पड़े। शायद इस सारी सूरत हाल के मद्देनजर मियां साहब ने कह दिया कि मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल और फिलहाल लंदन में ही मुकीम रहने को बेहतर समझा, जिसने उनके सपोर्टर्स के मजे और एक्साइटमेंट को बहुत किड़किड़ा कर दिया। एंड टॉकिंग अबाउट किड़किड़ा मजा, आइए भारत की तरफ चलते हैं। चंद दिन पहले भारत के शहर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीजेपी क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हुआ और ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड एब्सोल्युटली थ्रैश्ड इंग्लैंड और 37वें ओवर में 9 विकेटों के मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। लेकिन इस तरह के एक ग्लोबल स्केल इवेंट का आगाज बहुत अंडरवेलमिंग हुआ। 130,000 कैपेसिटी के स्टेडियम में इतना क्राउड था जितने अली अजमत के सर पर बाल। क्राउड यूं गायब था जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान की फॉर्म।
और बीजेपी हुकूमत और बीसीसीआई की फ्री पासेस की फराहमी और स्टेडियम्स भरने की सारी एफर्ट्स नाकाम गई। और हैशटैग डिसअपॉइंटिंग ट्विटर पर, आई नो इट्स नॉट ट्विटर, इट्स एक्स पर ट्रेंड करने लगा। एशिया कप के आगाज के वक्त इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने एक तंजिया ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने मुल्तान में क्राउड की कमी पर एक बहुत ब्लेटेंट सा तंज किया था। और कारमा पुलिस यानी पाकिस्तानी एक्स यूजर्स ने इस बात की यकीन दहानी की कि विक्रांत गुप्ता वर्ड्स केम बैक टू हॉन्ट हिम, व्हिच आई एम श्योर दे डिड। एक्स पर जो हुआ वर्ल्ड कप के इफ्तिताह से ज्यादा इंटरेस्टिंग था, व्हिच इज एक्चुअली क्वाइट सैड इफ यू थिंक अबाउट इट। लेफ्ट आर्म ट्विटर बोलर इरफान पठान ने बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह नाकाम हुए जिस तरह बीसीसीआई स्टेडियम्स भरने। But as cricket fans, we all hope that such is not the case for the rest of the World Cup. हम सब चाहते हैं एक बहुत धूम धड़के वाला आलीशान वर्ल्ड कप हो, ताकि जब 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में बाबर आजम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं तो देखने के लिए लोग तो मौजूद हों। I'm sorry, I can't keep a straight face while saying this, but all we can do is hope for the best. And without taking any more of your time, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। See you next time. Allah Hafiz Unasir.